पर। एक्स बॉयफ्रेंड रणवीर के साथ कॉफी पीती दिखी दीपिका, क्या होगा पति रणवीर का रिएक्शन? पुलवामा हमले को लेकर हर एक निर्माता बनाना चाहता है फिल्म। पाकिस्तान में शुरू हुआ प्रियंका चोपड़ा का विरोध, इस ट्वीट की वजह से हुई ट्रोलिंग का शिकार। अब खबरें विस्तार से। एक्स बॉयफ्रेंड रणवीर के साथ कॉफी पीती दिखी दीपिका, क्या होगा पति रणवीर का रिएक्शन? हाल ही में दीपिका पादुकोण के पति और एक्टर रणवीर सिंह ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी पत्नी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ काम कर रहे और नहीं वो इनसिक्योर हस्बैंड है। इसी बीच दीपिका और रणवीर कपूर की कॉफी डेट की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे में खोए नजर आ रहे हैं। ये फोटोज दोनों के लेटेस्ट ऐड की है जो कुछ दिनों में आपके सामने आएगी। पुलवामा हमले को लेकर हर एक निर्माता बनाना चाहता है फिल्म। फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की अभूतपूर्व सफलता के बाद बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं ने बालाकोट के पुलवामा और एयर सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले पर हर कोई निर्माता फिल्म बनाने की कोशिश में जुटा है। अब तक 5 निर्माताओं ने फिल्म के लिए अपना नाम दर्ज कर लिया है। उसमें अब तक पुलवामा के संबंध में 5 नाम सामने आए हैं। एयर स्ट्राइक, पुलवामा अटैक, बालाकोट 1 और सर्जिकल स्ट्राइक 2, ऐसे नाम सामने आए हैं। पाकिस्तान में शुरू हुआ प्रियंका चोपड़ा का विरोध, इस ट्वीट की वजह से हुई ट्रोलिंग का शिकार। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना को सपोर्ट करने की वजह से एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है और पाकिस्तानी यूजर्स तो इस बात का मुद्दा बनाकर संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनिसेफ को टैग करके इस एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की है। उनकी मांग है कि प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसिडर पर से हटा दिया जाए। प्रियंका चोपड़ा को दिसंबर 2016 में यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसिडर बनाया गया था। जय हिंद भारतीय सेना को चीयर करते हुए उन्होंने जय हिंद लिखा था। दरअसल वो एक यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसिडर होने के नाते उनमें शांति की बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा न करके उन्होंने युद्ध की बात की, इसी लिए उन्हें पद से हटाने की बात पाकिस्तान कर रहा है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए।